ये नन्हा सा मेहमान कौन है? अरे तो मेरा विहान है, ये बिल्कुल ही छोटू सा था। इसका आधार कार्ड बनवाना था ना, तब मैंने ये फोटो खिंचवाई थी। और ये वाली फोटो देखिए आप, ये मेरी शादी के बाद मैंने खिंचवाई थी। कल रात को तो मेरी सारी डाइटिंग खराब हो गई। मम्मी ने मुझे जबरदस्ती इतना सारा खाना खिला दिया। ये देखिए, इसमें नमकीन चावल हैं, दही हैं, और ये लहसुन की चटनी है, और इतने ही चावल और दे दिए थे मम्मी ने जबरदस्ती। प्लेट में कहा था अच्छे से खा ले, थोड़ा थोड़ा खाना मत खाया कर। मैंने भी खा लिया। बहुत ही भयानक वाली आंधी आ गई है, बहुत भयानक। आपको दिखेगा ना, धूल मिट्टी बहुत गंदे वाली। मुझे तो डर लग रहा है मेरे गमले नीचे ना गिर जाएं, इतनी तेज आंधी आ रही है। हाँ बेटा, आप अंदर ही रहो, आप अंदर ही रहो विहान, आप बाहर नहीं आओगे। भैया बेटा, धूल मिट्टी वाली आंधी है। अरे यार, ये क्या हो गया, मेरे घर के अंदर चमगादड़ आ गया है। ये दिख रहा है इधर, और इसको मैं कैसे भेजू बाहर? ये खुद चला जाएगा, पर जाएगा कहाँ से, आया कहाँ से यार? यहाँ तो कोई जगह ही नहीं है अंदर आने की। ये देखो, ऊपर ऊपर जा रहा है चमगादड़, लाइट है नहीं यार। मैंने दरवाजा खोला है कि ये चमगादड़ चला जाएगा। ये रहा, ये रहा, ये रहा, चला जाना। कैसे जाएगा यार ये बाहर? खुला छोड़ दूँ क्या आज बाहर का? खुला छोड़ देती हूँ, अपने आप चला जाएगा। मैं जिस काम के लिए आई थी मैं वो काम कर लेती हूँ। मैं आई थी यहाँ से मच्छरदानी उठाने। कल रात को मच्छरदानी खोल ली थी तभी सो पाई, वरना मच्छर बहुत ज़्यादा थे और बीच बीच में लाइट जा रही थी। गुड मॉर्निंग भूरी, कैसे हो आप? आपका छोटू कैसा है? मम्मी सुबह की चाय पीने लग रहे हैं, पापा जी अपना मास्क पहन के आ गए हैं। मैं पापा जी के साथ कितने दिनों बाद आज घर से बाहर निकली हूँ, मुझे जरूरी काम था। और मास्क लगा के रखिए आप लोग भी। अब यहाँ पे मैं सब्जी मंडी में आ गई हूँ, पापा जी मौसम्मी का रेट पूछने गए हैं। एक्चुअली मुझे देख के ना रेट ज्यादा बता देते हैं दुकानदार, इसीलिए पापा जी बोलते तू दूर हो जा, पहले मैं रेट पूछाऊं, तू फिर बाद में चली जाइ आ जाइयो वीडियो बनाने। मैंने ना मौसम्मी का कट्टा खरीदने का इसलिए सोचा है क्योंकि देखिए अभी ना जैसे कोविड फैला हुआ है, तो अब फ्रूट्स तो देखो जल्दी जल्दी ख़त्म होते हैं, तो ज़्यादा ना मंडी में नहीं जाना पड़ेगा बार बार, सही नहीं है ना? कल को कोई बीमारी हम घर ले आए। और दूसरी बात देखिए, कहते हैं कि विटामिन सी लेना बहुत ज़रूरी होता है ऐसे टाइम में, और मौसम्मी का जूस सबसे बढ़िया होता है। एक नींबू का रस पी लो, है ना, नींबू पानी बना के पियो इन दिनों, और या मौसम्मी का जूस रोज़ एक गिलास पियो। कहते हैं ना कि थोड़ा सा अपने शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा अच्छा बनाना चाहिए, इसीलिए सोचा कि ना अभी मैं कट्टा मंगवाया, एक कट्टा मंगवाया, जैसे ही ये खत्म हो जाएगा मैं एक और कट्टा मैं इसका ही मंगवाऊंगी मौसम्मी का, क्योंकि अभी सीजन की चल रही है। और रेट भी ठीक मिल गया, देखो ना हमें पता है 800 रुपये की 20 किलो मिली है, तो आप खुद देख लो 40 रुपये की किलो पड़ी ना हमें, तो बिल्कुल ही 40 की पड़ी ना, हाँ 40 रुपए की देख लो किलो। 500 रुपए का तो कट्टा था 10 किलो का, और 800 रुपए का कट्टा था हमारा 20 किलो का, तो 20 किलो का ही लेने का फायदा था। ये मैंने आपको अपनी सब्जी मंडी भी दिखा दी। फाइनली हमने ये देखिए इस तरीके से मौसम्मी का कट्टा खरीद लिया है। ये रहा, ये 20 किलो मौसम्मी है, 20 किलो। कितने का आया पापा जी? 800 रुपए का। 800 रुपए का हमने ये 20 किलो मौसम्मी खरीदी है, देख लीजिए अब आपके सामने है। मम्मी 20 किलो ले आए 800 रुपए में। जूस तो सही निकल गया अपा जी, देखो बढ़िया निकल गया। अच्छा इतना ही साव दो, हाँ 100 रुपए का दवा। हाँ ये घर पे सस्ता पड़ता है, और कट्टा मंगवा लो तो और सस्ता पड़ता है।
मैं एक्चुअली अपने बच्चे को अच्छी सी अच्छी ज़िंदगी देना चाहती हूँ, चाहती हूँ उसका शरीर अच्छा रहे, इसीलिए खुराक अच्छी डालना चाहती हूँ मैं अपने बच्चे के शरीर में। मैं सोचती हूँ, मेरी सोच ही है कि बच्चे को 4 कपड़े कम अच्छे खरीद लिए, पर खुराक अच्छी डालो शरीर में, अच्छा खिलाओ पिलाओ, अच्छा कपड़ों पे, बाकी चीज़ों में कहीं और खर्चे कम कर लो, लेकिन खुराक में कटौती नहीं करनी चाहिए। इसीलिए अच्छे से अच्छा अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश कर रही हूँ कि मैं जितना अच्छा हो सके अपने बच्चे के लिए उतना अच्छा करूँ। भाग जाओ यान, भाग जाओ। मैं भूत हूं, मुझसे तुम डरो। खट्टी खट्टी मौसमी। मम्मा रोटी बना रहे हैं, ये कल का आटा है ना मम्मी, आजकल का आटा इतना बच गया था, मम्मी रोटी बना रहे हैं। और चावल बना लिए, हाँ कल चावल बना लिए थे शाम को। और ये देखिए आप, आज पापा जी आए थे ना जब घंटे पहले, तो ये पता है क्या है, ये छोले की सब्जी है, पापा जी ने आज सुबह सुबह बनाई थी। सुबह बनाई थी पापा जी, रात को बनाई थी, बोलते तुम्हारा टिफिन खाने का सुबह का नाश्ते का काम चल जाएगा। इसको बाहर निकाल देते हैं, गर्म कर देंगे, फिर यही खा लेंगे नाश्ते में, अब सब्जी बनाने की जरूरत ही नहीं। मैंने मास्क पहन रखा था, देखो अपने आप लगा लिया इसने कानों पे। मास्क पहनेगा, मम्मा का मास्क पहनेगा। हाँ मेरा मास्क वापिस करो पापा जी, ये 1000 रुपए पकड़ो, 800 का कट्टा आया है ठीक है, और 200 रुपए आप चाहे एक काम करना ना, 200 रुपए के आप परसों अंगूर ले आना है ना, 200 के फल फ्रूट ले आना। मौसमी तो आई चुकी, लेकिन अभी मत लाना, अभी तो सेब रखे हैं, 2 दिन तो सेब चल जाएंगे। अनानास भी रखा है अभी तो फ्रिज में, हाँ तो अभी 3-4 दिन बाद, या फिर आप मुझे दे दो 200 रुपए, हाँ दे ही दो, अभी मेरे को फ्रूट्स की जरूरत ही नहीं, अभी रखे हैं फ्रूट्स। एक्चुअली देखो ना अभी यहाँ पे सेब रखे हैं, अभी ये देखो आप, अभी 2 तो सेब रखे हुए हैं, काम भी रखा है फ्रूट्स में, और ये मम्मा के पराठे। तो मैं ये कह रही थी कि ये देखो आप, अभी तो ये पूरा का पूरा पाइनएप्पल भी रखा हुआ है, तो फ्रूट्स की अभी जरूरत ही नहीं है, क्यों खर्चे करने। और मैं ये सोच रही हूँ अगर गैस बाई चांस खत्म हुआ ना ये वाला, तो मैंने कहा था ना कि अभी इस महीने मेरा बजट नहीं है खरीदने का, तो मैं सोच रही हूँ कि ये देखो ना, मैं गैस गीजर पे मैंने ये एक सिलेंडर लगा रखा है, इसमें भी कुछ तो होगा, 10 दिन तो चल ही जाएगा है ना, काफी यूज हुआ है, 5 महीने इतना तो नहीं होगा, बट क्या पता 5-7 दिन चल जाए गैस, 10 दिन, तो मैं ये वाला उठा के वहां लगा लूंगी। और वैसे मेरे पास ना बिजली से चलने वाला रसोई में गीजर है, ये देखो ना ये वाला, तो मैं गर्म पानी लेना हुआ ना यही से ले लिया करूंगी, बाथरूम में ले जाया करूंगी 1 बाल्टी नहाने की। हाँ देखना मम्मी इसमें बैठ गया जाके, और कह रहा खा लो पूछी टॉफिया, सारी की सारी डब्बा खोल के बैठ गया, गिर गई पूछी, पूछी गिर गई, बताओ। पहले मैं खाना ही खा लेती हूँ, उसके बाद ही एडिटिंग करूंगी वीडियो की। हेलो एवरीवन, पूरी रात परेशान हो गई, लाइट ही नहीं थी, एक एक घंटे के लिए बीच में जा रही, 1.5 घंटे के लिए फिर जा रही, और जैसे ही लाइट जाती पंखा बंद होता है तो विहान उठ जाता है, तो वो इतना रोया रात को बस पूछो मत, उसे आधे घंटे में पता नहीं कैसे उसे चुप करवाया। उसके बाद फिर मच्छरदानी खोल ली क्योंकि मच्छर इतने काटने लग रहे थे, तो मैंने भैया को सुबह सुबह फोन किया, मैंने कहा भैया मेरा इन्वर्टर ठीक करवा दो, मेरा इन्वर्टर करीबन करीबन बहुत लंबा टाइम पीरियड हो चुका है, कम से कम 40-50 दिन से खराब पड़ा है, जब वो आए थे ना मिस्त्री भैया तब से ही खराब पड़ा है पहले दिन से ही। तो अब मैं उस दिन भैया आए थे ठीक करने के लिए, वो ठीक तो हुआ नहीं है, उसमें अभी भी कुछ दिक्कत है, कुछ काम नहीं कर रहा, तो मैंने बोला उनको कि अभी केसेस बढ़ने लग रहे हैं, अभी इतने इतने 4-4 हज़ार केस आ रहे हैं, अब मैं आने वाले दिनों में अगर आप 10 दिन बाद आओगे तो मेरे को दिक्कत होगी ना, क्योंकि मैं आउटसाइड बंदे को बाहर के बंदे को अपने घर में एंट्री नहीं देना चाहती अब आगे आगे, अभी मेरा आज की डेट में ठीक करवा दो, क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत आती है, परेशानी तो आती है, क्योंकि मेरा ना सारा कुछ घर इन्वर्टर पे ही आपको पता चलता है, अब मेरा वाईफाई भी नहीं चलता इन्वर्टर, अगर लाइट चली जाए तो, अगर मुझे कोई वीडियो
वीडियो अपलोड करनी हो, कुछ हो, नहीं कर पाती, वेट करती रहती हूँ कि कब लाइट आएगी। और अंधेरे में आपको ही पता है मैं वीडियो क्या शूट करूँ, अगर घर में लाइट ही ना हो तो अंधेरे में वीडियो भी नहीं बनता। तो मैंने उनको बोला है आज, और आज मैं बार बार फोन मिलाऊंगी, मेरी भी गलती है, मैं एक बार फोन कर देती हूँ सुबह, उसके बाद पूरा दिन खुद ही से इंतजार करती रहती हूँ, अपने आप आ जाएंगे अपने आप आ जाएंगे, मुझे खुद से पीछे पड़ना पड़ता है तब जाके काम होता है। तो अब जब मैं हद से ज्यादा परेशान होगी हूँ ना, तो अब तो मैं बार बार फोन करूंगी कि मेरा इन्वर्टर ठीक करके आज की ही डेट में जाए, क्योंकि मैं तंग होने लग गई हूँ, रात को बहुत मच्छर काटते हैं, है ना। एक तो वजह ये थी कि रात को मैं सो नहीं पाई, दूसरी बात यह कि मेरा चैनल हैक करने की कोशिश की गई। मैं पूरी रात बैठ के मैंने कम से कम 2 घंटे लग के नींद भी अपनी खराब करी, अपने चैनल को बचाया किसी तरीके से। तो यहाँ मैं बता देती हूँ कि मेरा चैनल हैक करने की किस तरीके से कोशिश की गई। तो मेरी ईमेल आईडी पर उन्होंने एक यूट्यूब की तरीके से, जैसे यूट्यूब मैसेज भेजते हैं ना, मैंने स्क्रीनशॉट भी नहीं लिया, मैंने जैसे ही वो मैसेज देखा ना, मुझे पता चल गया ये मैसेज फेक है, मैंने वो मेल डिलीट कर दिया, मैं किसी भी लिंक पे ऐसे क्लिक नहीं करती। तो उन्होंने ना यूट्यूब की तरीके से पूरा का पूरा इस तरीके से मैसेज बना रखा था कि ऐसे ही लगे कि यूट्यूब ने ही ये मैसेज मेरे पास भेजा है, ठीक है। तो उस मैसेज में सारा कुछ सेम था, यूट्यूब भी लिखा हुआ था, सब कुछ इस तरीके से मेल, ठीक है। और वो आई हुई किसी YouTube की मेल ना ऑफिशियल होती है, वो कभी ऐसे नहीं आती है कि कोई बंदा ईमेल आईडी के मैसेज से आए, ठीक है। चाहे कितने भी फेक बनाने कोशिश कर ले, पता चल जाता है। सबसे पहली चीज तो उसमें जितने मेरे व्यूज बता रखे थे कि आपका रिपोर्ट कार्ड आ गया है महीने का, उसमें आपके इतने व्यूज है, इतने सब्सक्राइबर है, इतने वो है, तो सब कुछ गलत था, ऊपर ही गलत दिख रहा था मुझे, क्योंकि मेरे व्यूज कितने होते हैं ना, वो हजारों में नहीं होते, मेरे व्यूज लाखों में जाते हैं, ठीक है। और उसमें भी सब्सक्राइबर सब कुछ रॉन्ग थी इन्फॉर्मेशन, उसमें कह रखा कि फ्री में आप चेक कीजिए लिंक पे क्लिक करके। यूट्यूब कभी ये कहेगा क्या आपको कि हाँ फ्री में चेक कीजिए लिंक पे क्लिक करके, वो कभी ऐसे नहीं बोलते, उनकी लैंग्वेज इतना मतलब मिस्टेक, मतलब देख के मुझे पता चल गया था कि फेक है, क्योंकि मैं 2 साल से हूँ यूट्यूब पे, इसलिए मुझे पता चल गया, अदरवाइज कोई और इंसान होता ना, उसे पता भी ना चलता, वो क्लिक करता एक क्लिक और आपका चैनल गया, है ना। तो यहाँ पे मैं आपको जो जिन्होंने भी ऐसी कोशिश की है उनसे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता आपने ऐसा क्यों करने की कोशिश करी। लोग तो दुनिया तो ये सोचती है कि यार इसके हस्बैंड नहीं है, इसको सपोर्ट करना चाहिए, इसका बच्चा पल रहा है, आप क्यों मतलब ऐसे में मतलब हैक करने की कोशिश कर रहे हो मेरा चैनल, आपको क्या फायदा होगा मेरा चैनल लेके, क्योंकि आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला। अगर आप ये सोचते हो ना कि मेरा चैनल आप यूज कर लोगे, तो आपको मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे जो भी सब्सक्राइबर है ना, व्यूज आ रहे हैं, वो निधि की दुनिया चैनल पे आ रहे हैं, तो मेरे लिए आ रहे हैं। अगर आप मेरी चैनल से मेरी वीडियोस हटा के खुद का कंटेंट भी डालने लग जाओगे, तो व्यूज आने ही नहीं है, क्योंकि लोग नहीं देखेंगे, समझ रहे हो आप। क्योंकि पब्लिक किसके साथ क्यों जुड़ी है वो चीज देखो, अगर मैं मेरा चैनल आज उठा के किसी को दे दूं ना, किसी को भी, कहूंगी लो मैंने लाख रुपए में बेच दिया और उसके बाद आप आओ इस चैनल को यूज करो, तो कोई और बंदा अगर अपनी वीडियो डालेगा ना, उस पे 200-400 व्यूज भी नहीं आने वाले, आपको ये बात मैं बता देती हूँ, ठीक है। आगे सब कुछ चेंज कर दिया मैंने, इतनी हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी लगा दी मैंने, कुछ इतना कर दिया, ठीक है। और अगर बाई चांस देखो बुरे से बुरा क्या होगा, मैं आज के टाइम में मेरे साथ जितना बुरे से बुरा होना था वो हो चुका है। अब बाई चांस मान लो चैनल आपने ले भी लिया, तो लोगों के नाम दिमाग में निधि की दुनिया नाम है ना मेरा, मैं कल को दोबारा निधि की दुनिया नाम से चैनल बनाऊंगी ना, उस पर भी लोग सब्सक्राइब कर देंगे मेरे चैनल को, ठीक है। मानती हूँ कि चलो मेरा 1-1.5 लाख होने में 3-4 महीने लग जाएंगे दोबारा, लेकिन मैं फिर से उस लेवल पे चैनल को ले आऊंगी। और दूसरी बात, मेरी जो क्राउड है, मुझे देखने वाली पब्लिक है, सिर्फ मेरे चैनल पर नहीं है, निधि के रोकी की दुनिया पे, माँ बेटी की दुनिया पे, 4-5 चैनल है हमारे फैमिली के, ठीक है। तो मैं किसी और चैनल पे एक वीडियो डाल के बोल दूंगी कि हाँ ये चीज हुई है, आप उस चैनल पे आ जाओ, तो देखने वाले हैं उनको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी और वो आ भी जाएंगे, है ना। और मैं मेरे को क्या कहना होगा आप सोचिए। और दूसरी चीज है कि अगर मेरी वीडियोस की किस चैनल पे मेरी वीडियोस रखी हैं, तो हाँ मैं अब सोच रही हूँ कि अपनी वीडियोस को, चलो बंदे को अटैचमेंट होती है अपनी वीडियोस के साथ, तो मैं उनको किसी और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डाल दूंगी। कितना टाइम लगेगा, 1 साल लग जाएगा अपनी पब्लिक प्लेटफॉर्म, आप बताइए मुझे, कॉमेंट करके सजेस्ट कीजिए। यूट्यूब के अलावा कौन से पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मैं अपनी वीडियोस पोस्ट कर सकती हूँ, जो अपनी शुरू से मैं फर्स्ट वीडियो से डालनी शुरू कर दूंगी, एक याद के तौर पर एक अकाउंट बना लूंगी नया, फेसबुक पे डाल लूँ तो वो ज्यादा बढ़िया है, फेसबुक पे डालू या कौन कौन से और होते हैं आप मुझे बताइएगा, ठीक है, जो भी है। और ये बात है, ठीक है। तो मैं भी आगे से थोड़ा और ज्यादा, अच्छी बात है मुझे पता चला कि ऐसी ऐसी चीजें चलती हैं, लेकिन हाँ चलो मैं आपकी तारीफ करती हूँ फिर भी कि आप, हमें नहीं आते ऐसे पेज बनाने,
है ना, कि फिशिंग पेज बनाने या इस तरीके के, आप में टैलेंट तो है मैं मानती हूँ, ठीक है, जिसने भी ये मेल मेरे पास भेजा है आप टैलेंटेड तो हो, है ना, वरना बिना टैलेंट के तो कोई ऐसा पेज भी क्रिएट नहीं कर सकता, बना सकता, हमें नहीं आता, आपको आता है, आपको नॉलेज है ना इन चीजों की, तो अच्छी बात है, बट इस नॉलेज को कोई अच्छी जगह पे यूज कीजिए तो अच्छी बात होगी, है ना, किसी का भला कीजिए, है ना, अगर किसी के अकाउंट हैक हो चुके हैं तो उनको रिकवर करने पर काम कीजिए, ना कि हैक करने पर, आपका दिमाग अच्छा है जिसने भी काम किया है, माइंड भी शार्प है, तो उसको अच्छी जगह लगाइए ना, है ना, ताकि आपको भी और अच्छे से, देखो कोई दुआएं दे, कोई ऐसा काम कीजिए जिससे लोग आपको दुआ दे कि आपने किसी का बढ़िया काम किया, आप अपना चैनल खोल लीजिए, आपको इतनी नॉलेज है, एक टेक्निकल चैनल खोल लीजिए, उसमें आप लोगों को और अच्छी अच्छी चीजें बताइए, आपको तो नॉलेज है ना इन चीजों के बारे में, तो आप बनाइए, है ना, ये सब चीजें आपको के लिए मैं कहना चाहूंगी कि आप कीजिए, है ना। और दूसरी चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी कि देखिए मेरे ऊपर काफी वीडियोस बनती हैं, है ना, पहले भी बनती थी, आज भी बनती है, चाहे कल को 20 बनती थी, आज 10 बनती हैं, है ना, तो मेरे को कई लोग कह देते हैं कि यार आप इनको कॉपीराइट स्ट्राइक दो, इनको स्ट्राइक दो, वो आपके बारे में बोल रहे हैं, आपके बारे में बोल रहे हैं, तो देखिए मैं किसी को भी कॉपीराइट स्ट्राइक आज ऑन कैमरा बोल रही हूँ, मैं ना तो कल दी ना मैं आज दूंगी। हाँ, जब शुरू में आई थी तब बुरा लगता था, एक दो बार दी मैंने स्ट्राइक, लेकिन मैं नहीं देती आज के टाइम में, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए आप मेरी बात सुनिए, मैं जैसे रिएक्शन चैनल वाले होते हैं, आपके ऊपर रिएक्शन देते हैं, गंदा भी बोलते हैं, बुरा भी बोलते हैं, कहते भी हैं ऐसा है वैसा है ऐसा है जो भी है ना, तो एक टाइम पे मुझे बुरा लगता था कि यार देखो ना लोगों को, मतलब लोगों के सामने कितनी गलत चीजें जा रही हैं, लोग क्या सोचेंगे, वो वीडियो देखेंगे तो यार वो उनके सामने तो मेरी इमेज खराब हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसी टेंशन रहती थी। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात बोल देती हूँ कि बहुत से ब्लॉगिंग के चैनल ऐसे हैं जिनके बारे में मुझे पता ही रिएक्शन चैनल के थ्रू चला था, क्योंकि मैं ब्लॉगिंग के चैनल नहीं देखती थी, लेकिन हाँ मैं कुछ कुछ ऐसे देखती रहती थी, क्योंकि मैं रिएक्शन चैनल इसलिए देख लेती थी कि चलो मेरे बारे में कौन क्या कह रहा है देखने के लिए, तो जब मैं उनके चैनल पे किसी और ब्लॉगर के बारे में सुनती थी तो मुझे पता चलता था कि अच्छा ये भी ब्लॉगर है, चलो इनको भी जाके देखते हैं, जो अगर वो टैग यूज करते थे तो उस टैग पे क्लिक करके मैं वहां पहुंच जाती थी। तो इस तरीके से बहुत से चैनल है जिनके बारे में मुझे पता चला, तो यहाँ पे मैं इतना बोलूंगी कि देखिए अगर कोई आपके बारे में कुछ बोल रहा है, रिएक्शन दे रहा है, तो उससे आपका नुकसान नहीं है, उनका भी फायदा है, आपका भी फायदा है ना। तो मैं तो बल्कि इतना कहूंगी कि देखिए, क्योंकि देखिए मान लो कोई रिएक्शन आपके ऊपर दे रहा है, उनके रिएक्शन पे मान लो आज 200-300 व्यूज आ रहे हैं, कल को अगर उनका चैनल थोड़ा सा ग्रो कर गया, 600-700-800 व्यूज भी आने लग गए, है ना, तो उनके साथ जो नई पब्लिक जुड़ेगी वो हमारे साथ भी जुड़ेगी, और उनका फायदा इसलिए है क्योंकि जो मेरी पब्लिक है वो उनकी वीडियोस देख रही है, तो फायदा दोनों साइड हो जाता है ना। तो मैं यहाँ पे एक आज पब्लिक अनाउंसमेंट एक अच्छी सी ये कर रही हूँ, देखिए मेरे ऊपर जो भी रिएक्शन चैनल बनाते हैं, है ना, वो मुझे पता है जो भी रिएक्शन देते हैं ना उनको कहीं ना कहीं ये डर लगता है कि कहीं कोई कॉपीराइट स्ट्राइक ना दे दे, इसलिए वो फोटोज यूज नहीं करते, है ना, थंबनेल पे मतलब टैग कम यूज करते हैं, या फिर हमारी उठा के वीडियोस नहीं डालेंगे, वीडियोस डालेंगे भी तो फेस ब्लर्ड ब्लर्ड कर देंगे, हटा देंगे इस चक्कर में कि कल को ये कोई स्ट्राइक वगैरह ना दे दे, हमारे चैनल को नुकसान हो जाए। तो देखिए मुझे पता है चैनल को क्रिएट करने में मेहनत लगती है, दिन रात की हम टाइम देते हैं, तो मैं किसी को भी यूट्यूबर को कॉपीराइट स्ट्राइक कभी भी नहीं दूंगी, आज कह रही हूँ ये बात, आज से 5 साल बाद भी, चाहे आप मेरे ऊपर वीडियोस में कितना गलत मुझे बोल रहे हो, अच्छा बोल रहे हो, गलत दे रहे हो, रिएक्शन दे रहे हो, नेगेटिव रिएक्शन भी दे रहे हो मेरे ऊपर, ठीक है, मैं तब भी कॉपीराइट स्ट्राइक आप लोगों को नहीं देने वाली हूँ किसी को भी, आप अच्छे से अपना काम कीजिए। और इवन मैं तो आपको कहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप मेरी अगर फोटो अगर आप अपने चैनल पे यूज कर लेते हो, या फिर मेरी वीडियोस में से उठा के 2-3 मिनट की 1 मिनट की क्लिप उठा के डाल देते हो, क्योंकि रिएक्शन में क्या होता है ना, लोग अपने मुंह से कुछ बात बता रहे होते हैं, लेकिन ये क्या हो गया, मेरा फोन हैंग हो गया क्या, मेरा फोन हैंग हो जाता है लगातार, बोलती हूँ ना, 8-10 मिनट लगातार बोल रही थी, फोन बीच में हैंग हो गया। मैं ये कह रही थी कि देखना मेरी मक्खन अच्छा है, तो मैं ये कह रही थी कि देखिए अगर मान लो अगर कोई रिएक्शन दे रहा है ना, तो रिएक्शन में किसी की बात पॉइंट कर रहा है कि देखिए इसने इस पॉइंट पे यहाँ पे क्या गड़बड़ कर दी, जैसे ये कैसी सब्जी बना रही थी, सब्जी में ऐसी दिक्कत थी, तो अगर उनका रिएक्शन और अच्छा हो सकता है, अगर वो मेरी उस पार्ट को जहाँ पे वो रिएक्शन की बात कर रहे हैं उठा के 30 सेकंड का मेरी वीडियो में से डाउनलोड करके अपनी वीडियो में डाल के फिर उस बारे में बोलेंगे कि हाँ यहाँ पे ये सब्जी ऐसी बना रही थी वैसी बना रही थी, तो इससे क्या होगा कि उनकी वीडियो पे व्यूज और ज्यादा अच्छे आएंगे, क्योंकि थोड़ा इंटरेस्ट बनता है ना देखने का भी। तो मेरे को कोई दुख नहीं है, मेरे को अच्छा लगता है कि देखो कि आपका भी भला हो रहा है इसमें, तो मेरा भी कोई नुकसान नहीं हो रहा है ना। और मैं चाहती हूँ कि अगर आपका चैनल और अच्छे से ग्रो कर सकता है तो बेशक आप मेरी फोटोज यूज कीजिए, आप डरिए मत, मैं कभी भी किसी को कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं दूंगी, चाहे नेगेटिव वीडियो भी बना लो मेरे ऊपर,
कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो आप मेरी फोटोज भी यूज कर सकते हो मेरे चैनल पे से, मेरी छोटी छोटी कोई 30 सेकंड की, 20 सेकंड की, 40 सेकंड की, 50 सेकंड की, अगर आप चाहो वीडियो क्लिप भी उठा के डाल सकते हो, मेरी शॉर्ट वीडियो भी उठा के डाल सकते हो। अगर मैं कोई डालती हूँ कल को, मैं अब काम करूंगी शॉर्ट वीडियो पे भी, मेरे को कोई दुख नहीं है, कोई बुरा नहीं लगता। क्योंकि देखिए अगर कोई रिएक्शन दे भी रहा है तो देखिए उनको अगर कुछ गलत लगेगा तो वो बोलेंगे, अगर मुझे लगेगा कि हाँ जायज है तो मैं अपने में सुधार भी करूंगी, मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलतियां हो सकती हैं, है ना। तो लेकिन मैं किसी का कभी बुरा नहीं चाहती, तो मैं लोगों से यही कहूंगी कि आप लोग भी मेरे लिए कभी बुरा ना चाहें। मुझे मेरे चैनल मेरी रोजी रोटी है, मैं अपना बच्चा पाल रही हूँ, मेरे चैनल पे लात मारने की कोशिश मत कीजिए। और आप भी कमा के खा रहे हो लोग, दुनिया को बोलूंगी मुझे भी कमा के खा लेने दीजिए, मैं भी अपनी मेहनत का ही खा रही हूँ, है ना। तो ये सब चीजें प्लीज रिक्वेस्ट है मत कीजिए, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो आई होप सो आप लोग समझोगे इस चीज को, और मेरी पूरी रात काली करवा दी आज तो, है ना, नहीं सो पाई क्योंकि एक तो लाइट ने काली करवा दी, लाइट नहीं थी, मच्छरों ने काली करवा दी, ऊपर से अपने अकाउंट को सेव करा मैंने इतनी मुश्किलों से। बट हाँ अच्छी न्यूज ये है कि मैंने अपने अकाउंट को बचा लिया है, लेकिन कल को मैं यूट्यूब नहीं छोड़ूंगी, अगर मेरा चैनल को कुछ भी हुआ तब भी मैं दूसरा चैनल बना लूंगी, है ना। या मेरे पास ऑलरेडी चैनल रखा हुआ है, आप निधि ब्यूटी एंड फैशन नाम से जो मेरा चैनल है ना उसको अपना सब्सक्राइब करके छोड़ दो, है ना, कल को, ताकि कुछ भी दिक्कत आई तो मैं उस चैनल पे आपके साथ इंटरेक्ट करना शुरू कर दूंगी, है ना। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो का ज्यादा लंबी होगी एंड कर देती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।